बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें कि नेपाल से खबर सामने आ रही है, जहां पर दो बस लैंडस्लाइड होने के बाद गिर गई नदी में, त्रिशूली नदी में दो बस गिर गई, जिससे कि 60 से 62 लोगों के बह जाने की खबर सामने आ रही है। ये बेहद दुखद खबर है। बता दें दो बस जो है वो एक बस वीरगंज से काठमांडू जा रही थी, तो दूसरी बस जो है गौर से काठमांडू की ओर जा रही थी। पहाड़ पर लैंडस्लाइड के कारण यह हादसा हुआ और घटना नारायण घाट और मुंगलिंग के बीच की बताई जा रही है। मरने वालों में कई भारतीय भी शामिल हैं। लैंडस्लाइड के बाद दो बसें नदी में गिर गई, जिसकी वजह से 62 लोग नदी में बह गए। त्रिशूली नदी में 62 लोगों के बह जाने की खबर सामने आ रही है। बिहार में एक तरफ बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ठनका ने कहर बरपाया है। यानी कि आकाशीय बिजली की वजह से बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर ही 15 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर सामने आ रही है और कई ऐसे लोग हैं जो कि झुलस गए हैं। तो बिहार में आसमान से बहुत बरस रही है। बता दें आपको 30 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। औरंगाबाद, समस्तीपुर, आरा, बाढ़, लखीसराय, सिवान, जमुई, गोपालगंज, कैमूर, शेखपुरा, इन सभी जिलों में ठनका का कहर दिखा है। सबसे बड़ी घटना जो है आरा में हुई, जब एक हाई स्कूल पर ही ठनका गिर गया, जिसमें 19 छात्राएं झुलस गई। मौसम विभाग लगातार लोगों से ठनका को लेकर बचने की अपील कर रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठनका से जान गंवाने वालों के पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। और देखिए बिहार में ठनका की वजह से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई, और अगर बात की जाए सरकारी आंकड़ों की तो 139 लोगों की अब तक की मौत की खबर है, और जुलाई महीने में भी कई लोगों की मौत हो गई है, 12 से 15 लोगों की मौत की खबर है। तो ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि इसे कम भी किया जा सकता है। तो इसे कम करने को लेकर के उन्होंने कहा है कि कुछ ठोस पहल करने की जरूरत है। इसके लिए करना क्या होगा कि ताड़ जैसे लंबे पेड़ों को लगाने की जरूरत है, साथ ही साथ आसपास में जल स्रोत का रहना बेहद जरूरी है। साथ ही शहरों पर सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के बजाय ठनका से बचने के लिए भी उपाय करने की जरूरत है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। इससे निपटने के लिए आवश्यक है कि पहले की तरह रेगुलर अंतराल पर, रेगुलर बराबर दूरियों पर पेड़ों के झुरमुट विकसित किए जाए, और पेड़ ऐसे रहे जैसे तार है, महुआ है, पीपल है, बरगद है, या ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगाए जाए, और उसमें नजदीक में जल स्रोत रहे तो विद्युत का संवहन और अच्छा होगा। तो छोटे छोटे तालाब के आसपास ऊंचे प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, जैसे अभी अर्बन प्लानिंग भी हो रही है कि सिर्फ कंक्रीट का जंगल हम बना रहे हैं। हमें वहां पर विद्युत आवेश के संवहन की व्यवस्था करनी होगी, और ये बिजली का गिरना, ठनका का गिरना तभी कमेगा, नहीं तो जिस तरीके से आपदाएं बढ़ रही हैं और जिस तरीके से ठनके से लोग मर रहे हैं आकाशीय बिजली से, वो बढ़ती जाएगी और ये चिंताजनक रूप लेगी। बिहार में बारिश, बाढ़ और ठनका को लेकर के आपको बता दें कि आपदा विभाग का कंट्रोल रूम भी अलर्ट मोड पर है। बता दें आपको कंट्रोल रूम की तरफ से लगातार जिलों में जानकारियां साझा किया जा रहा है, और साथ ही साथ अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। बता दें आपको आपदा विभाग इन दिनों खासकर ठनका को लेकर लोगों को हर घंटे अलर्ट करने में जुटा है, क्योंकि अब तक राज्य में 139 लोगों की मौत ठनका से हो गई है। आपदा कंट्रोल रूम में SDRF के साथ विभाग के सभी अधिकारी खुद पूर्वानुमान के साथ अलर्ट करने में जुटे हैं, और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। तो बिहार में बारिश, बाढ़ और ठनका को लेकर आपदा विभाग का कंट्रोल रूम भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, पल पल की जानकारियां जिलों से साझा कर रहा है कंट्रोल रूम। और आपदा विभाग इन दिनों खासकर ठनका को लेकर लोगों को हर घंटे अलर्ट करने में जुटा हुआ है, क्योंकि अब तक राज्य में 139 लोगों की मौत ठनका से हो गई है। आपदा कंट्रोल रूम में SDRF के साथ विभाग के सभी अधिकारी खुद पूर्वानुमान के साथ अलर्ट करने में जुटे हुए हैं।
बिहार में बारिश, बाढ़ और ठनका को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहा है। इस बीच आसमानी आफत का भी कहर लगातार जारी है। हम सीधी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम तस्वीर दिखा दें कंट्रोल रूम में कि एसडीआरएफ की टीम हो या आपदा विभाग की टीम किस प्रकार से काम कर रही है। यानी बारिश का अलर्ट हो, ठनका का अलर्ट हो या बाढ़ को लेकर अलर्ट हो, हम लोग ठनका को लेकर लगातार जो है हम लोग लाइटनिंग के संबंध में, वज्रपात के संबंध में लगातार जो है उसका अलर्ट जो है, चेतावनी जो है जनता के बीच में हम लोग भेज रहे हैं। उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग में हमारा अर्थ नेटवर्क का सिस्टम है, आईएमडी का सिस्टम है और कैप जो है एनडीएमए का कैप जो है, उसके थ्रू भी हम लोग जनता के बीच में इसके चेतावनी को जो है जितना से जितना जल्दी हो सके हम लोग बचाव के लिए जनता के बीच में भेजते हैं। अच्छा, कोई ऐप भी काम करता है जो आम लोग चाहें कि उस ऐप को प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर लें और जानकारी पहले अलर्ट के रूप में मिल जाए? सर, एनडीएमए का सचेत ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं सर, उस पर अलर्ट जारी किया जाता है। हम लोग 100% अलर्ट है सर, अगर किसी तरह की कहीं घटना होती है वहाँ के अंचलाधिकारी आपदा प्रभावित एडीएम सर से बात करके उसकी पुष्टि करते हैं और उन घटनाओं का हम यहाँ नोटिस करते हैं। उसके बाद उसमें अगर कोई घायल है तो घायल अवस्था में उसे कहाँ रखा गया, क्या हुआ, कैसे वो ठीक हुआ, कब तक वो घर आएगा। हम लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग अलर्ट भेजते हैं 40-45 मिनट्स पहले, ताकि जो कॉमन ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उन लोग समय से पहले अलर्ट हो जाएं। बता दें आपको कि जनवरी से लेकर जुलाई तक के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब तक बिहार में ठनका यानी आसमानी आफत से 139 लोगों की मौत हो चुकी है और सभी को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रूपये मुआवजे के रूप में भी दिए गए हैं। जाहिर है लगातार आपदा विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है, आगाह कर रहा है, लोगों से सावधान रहने की अपील भी कर रहा है। ऐसे में लोग भी सावधान रहें तो मौतें नहीं होंगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। बेतिया के गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से निचले इलाके के गांव जो हैं वो बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं और ऐसे में वहां के जो निवासी हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। बता दें आपको कि जुगाड़ की नाव बनाकर ये लोग नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि बाढ़ की वजह से कितनी बदहाली इनको झेलनी पड़ रही है। बता दें आपको, ग्रामीण जो है वो गुड़ बनाने वाले कढ़ाई को नाव बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिलने से काफी ज्यादा नाराज भी हैं। आवे जाए खतरा कोनो सुख साधन नहीं है। आज 7 तारीख से पानी भइल, केहू जैसे मुखिया जी चाहे विधायक केहू ना आई देखे झाँके आई, एगो डेंगू वगैरह इतना ना जरूरी है जब बाटे जी कोनो ना परेशानी झेल के मिठाई करा से लोग आवता जाता। अच्छा, डेंगू अभी नहीं क्या मिला सरकारी? सरकारी सीओ अभी आयल बड़ी की ना निरीक्षण कर? सीओ अभी ना आयल की। गोपालगंज में पिछले 3-4 दिनों से अगर देखा जाए तो काफी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। बता दें आपको, मौसम विभाग की तरफ से अपील भी की जा रही है कि भारी बारिश में आप घर से बाहर ना निकलें। और आपको बता दें कि बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम को लेकर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। मेघ गर्जन के साथ हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ आपदा विभाग ने आज वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। किसानों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान वज्रपात हो तो किसान खेतों की ओर न जाएं, क्योंकि गोपालगंज में पिछले 24 घंटे में वज्रपात से एक किसान की मौत हो गई है और 5 किसान झुलस गए हैं जिनका इलाज गोपालगंज के सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज हो रही बारिश की वजह से खेतों में हरियाली लौट आई है। जो धान की फसल है वो पानी से लबालब हो चुके हैं। बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री तक न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री तक बना रहेगा।
ऐसे में आज मौसम विभाग ने पूरे दिन बारिश के साथ मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है। अभी भी कई इलाकों में बारिश हो रही है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सुबह से लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में बारिश को लेकर लोगों की जहां परेशानी बढ़ गई है, वहीं वज्रपात को लेकर मौसम विभाग और आपदा विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार में आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया है। ठनका को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर बताते चले आपको, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर में भी अलर्ट जारी किया है। सुपौल में भी अलर्ट जारी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और दोपहर 2:07 तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। तो ठनका को लेकर अलर्ट आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सीतामढ़ी, शिवहर में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दरभंगा, मधुबनी, सुपौल में भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर जाएं, वरना घर के अंदर ही रहें बारिश के दौरान, क्योंकि ठनका गिरने की संभावना रहती है बारिश के समय में। तो ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आपको बता दें कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, नदियां उफान पर हैं। और ऐसे में आपको बता दें मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। बताते चले आपको, मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव होने का असर दिख रहा है, लगातार झमाझम बारिश हो रही है जिसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 48 मीटर तक पहुंच गया है, हालांकि खतरे के निशान से अभी 2 मीटर नीचे है। बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, जगह जगह अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है। SSB के जवान और NDRF की टीम तैनात की गई है। गंगा घाट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना सहित पूरे बिहार में झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी लगातार बढ़ती नजर आ रही है।